क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। इसमें कह रहा है इफ टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। हमें दो कोर्ड्स दी गई हैं, मान लेते हैं हमारा एक सर्किल है, इसमें दो कोर्ड्स दी गई हैं, कोर्ड ए बी एंड सी डी, जो सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, एक टू कोर्ड सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, मतलब सर्किल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोर्ड आर इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोर्ड। हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो सेगमेंट्स होंगे, मतलब जिस पॉइंट पर ये काटेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो इन लाइनों को दो हिस्सों में बांटेगा, तो जैसे ए बी को एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है तो एक्स बी, और सी डी को भी एक्स पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है तो एक्स डी। तो हमें यही प्रूव करना है कि इनके सेगमेंट्स एक्स बी और एक्स डी इक्वल होंगे और एक्स सी इक्वल्स टू एक्स ए इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, इक्वल कोर्ड्स गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड इंटरसेक्ट एट एक्स, और ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स पॉइंट पर। ठीक है, गिवन में हो गया। उसके बाद हमें टू प्रूव, टू प्रूव, तो प्रूव में हमें लिखना है भाई कि इनके सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका सेगमेंट ए बी के दो सेगमेंट्स हैं, एक्स ए सॉरी बी एक्स, और सी डी का सेगमेंट है डी एक्स, तो ये दो होने चाहिए भाई इक्वल। तो बी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, और दूसरा सेगमेंट क्या बन रहा है इन दोनों लाइन्स का, सी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, सी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, ये दोनों चीज करनी है हमें प्रूव। तो आते हैं अब हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना है हमें, हमें करना है कि भाई ओ ड्रो ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी। सेंटर से ओ से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ एम जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने प्रूफ पर। प्रूफ में आएंगे सबसे पहले हमारा क्या होता है, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ एल एक्स और ट्रायंगल ओ एम एक्स, इन दोनों को हम करेंगे कॉन्ग्रेंस। तो इन ट्राइंगल ओ एल एक्स एंड ट्राइंगल ओ एम एक्स, दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। हमने क्या किया है भाई, ओ एल एक परपेंडिकुलर है तो ये यहां पर बनाएगी 90 डिग्री का एंगल, और इसी तरह ओ एम भी परपेंडिकुलर है तो ये भी बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। तो एंगल ओ एल एक्स इक्वल्स टू एंगल ओ एम एक्स, एंगल ओ एल x इक्वल्स टू एंगल ओ एम एक्स, बोथ आर 90 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद ओ एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स कॉमन, ओ एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स, ये हो गई हमारी कॉमन साइड। थर्ड चीज देखेंगे हम कि ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, ये क्यों इक्वल होगी, इसके लिए हम करेंगे अपनी थ्योरम का यूज। तो ओ एल और ओ एम जो होगी इक्वल, वो क्या होता है, इक्वल कोर्ड्स, इक्वल परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कोर्ड्स, परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कोर्ड्स आर इक्वल, कि भाई जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन है, तो इक्वल कोर्ड्स पर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी तीन कंडीशंस थी भाई, ये हो गया हमारा राइट एंगल, ओ एक्स राइट एंगल के सामने है और इस राइट एंगल के भी सामने है, तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस और ये हो गई एक साइड। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ट्राइंगल ओ एल एक्स इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ एम
एक्स कौन से रूल से हुआ है, आर एच एस रूल से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई एल एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं सीपीसीटी से एल एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, ये हो जाएगा सीपी सी टी से, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर वन। तो अभी के लिए मैं कर रहा हूं रिमूव, अगर आपने मतलब नोट डाउन नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रिज्यूम करके, ठीक है, या फिर साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहें, उससे इजी हो जाता है, हम खुद भी करके देखेंगे तो क्वेश्चन हमें बिल्कुल इजी लगने लगेगा। तो ये तो हमने प्रूव किया कि भाई एक्सएल सॉरी एल एक्स और एम एक्स इक्वल है। अब मैं अगर कहता हूं कि भाई ए बी और सी डी, ये तो हमें इक्वल दे रखा है, देन ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये है हमें गिवन, इक्वल कोड्स हैं दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल कोड्स हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी इक्वल होगा, भाई बराबर दोनों चीजें हैं तो उनका भी हाफ कर दिया जाता है तो वो भी इक्वल होते हैं। ए बी का हाफ हो गया बी एल और सी डी का हाफ हो गया एम डी, तो ए बी का हाफ क्या होगा, बी एल इक्वल्स टू एम डी। अब ये हाफ क्यों हुआ है कि भाई ये इस पूरी लाइन का हाफ ये कैसे हुआ है, तो इसके लिए हम अपनी थ्योरम का यूज करेंगे जो कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोण। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोण, जो सेंटर से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है ओ एल, तो वो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब ए एल इक्वल्स टू बी एल हो जाएगा, या फिर ए बी का हाफ जो है वो ये हो जाएगा, और इसी तरह से सी डी का हाफ हो जाएगा एम डी, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो भाई आधा ये होगा और आधा ये होगा, तो ये आधा हो गया और इसी तरह से ये भी आधा हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन प्लस में सेकेंड इक्वेशन, मतलब हमें करना है एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट है हमारी बी सॉरी फर्स्ट है हमारी एक मिनट फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एल एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, एल एक्स इक्वल्स टू एम एक्स। सेकेंड इक्वेशन है हमारी बी एल इक्वल्स टू एम डी। तो एल एक्स प्लस बी एक्स, एल एक्स प्लस बी एल सॉरी ठीक है, एल एक्स और बी एल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी एक्स, और इसी तरह एम एक्स और एम डी को जोड़ेंगे, एम एक्स और एम डी को जोड़ेंगे तो ये हो गया डी एक्स। तो हम यहां कह सकते हैं कि भाई बी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे अपना सेकंड को प्रूफ। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है मतलब ये वाला तो हो गया हमारा प्रूफ बी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, अब करना है सी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। तो सी एक्स और ए एक्स के लिए क्या करेंगे हम, हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, दोनों इक्वल हैं, हमें इसमें से सिर्फ क्या करना है, माइनस कर देना है हमारी इस इक्वेशन को, ठीक है, जो हमने प्रूव की है, बी एक्स और डी एक्स को कर देना है माइनस। तो इसमें से हम बी एक्स और इसमें से हम करते हैं डी एक्स को माइनस। तो ए बी में से अगर बी एक्स को, ये ए बी है, इसमें से मैं बी एक्स को माइनस कर देता हूं, ये लाइन हटा देता हूं, तो क्या बचा, ए एक्स बच जाएगी, और सी डी में से मैं डी एक्स को माइनस कर देता हूं तो बचेगा हमारे पास सी एक्स। तो ए बी में से बी एक्स को माइनस किया ए एक्स, और सी डी में से डी एक्स को, इस लाइन को माइनस कर दिया तो बचा क्या, ए एक्स सॉरी सी एक्स, यही हो गया हमारा सेकेंड भी प्रूफ। तो फर्स्ट और सेकेंड मतलब ये दोनों बी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स हमारा यहां पर हो जाता है प्रूफ, और ए एक्स और सी एक्स हो जाता है हमारा यहां पर प्रूफ, दोनों हो चुके हैं प्रूफ। क्वेश्चन होता है हमारा